मान के मुखिया प्रिंस सिंह ने बहुत ही बेबाकी तरीके से जवाब दिया, बोला कि हम 200% करेंगे, 2000 से लीड भी कर रहे हैं और अपने पंचायत क्षेत्र में आप आके देख लीजिएगा कि हम फ्री में टेम्पू चला रहे हैं। कुछ मतदाता भाई हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो वर्तमान के इनके मुखिया हैं क्या कैसे विचार के लोग हैं, फिर अगर इनको ये लोग दे रहे हैं कि नहीं, इनको मतदान करके पुनः जिता रहे हैं कि नहीं। क्या नाम हुआ? केतन जी। मुखिया जी अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। सही दे रहे थे। रहते हैं आप लोग के साथ में? हम रहते हैं दुख सुख में सब में, सब में 24 घंटा। जो आज़ादी के बाद रोड नहीं बना वो रोड का भी निर्माण प्रिंस मुखिया जी के द्वारा किया गया है। अरे वो उप मुखिया जी भी हैं, नंद किशोर सिंह। हाँ उप मुखिया जी, मुखिया जी हमारे इतना काम किए, आज तक पंचायत में कोई नहीं किया। कई गुना प्रत्याशी है आपके गांव में? सबसे ज्यादा काम यही किए हैं 5 साल में। चल के आप देख लीजिए, रोड नाली मैंने छठ पूजा में कार्तिक पूर्णिमा में 12 तारीख के मतदान कीजिएगा, वो तो हम जानते हैं। 12 तारीख का मतदान फूल बहुमत हम लोग मुखिया जी को देंगे, इनके साथ पूरे जनता साथ है। पूछ लीजिए, अगर हाथ उठाना चाहे तो जनता से हाथ उठवा लीजिए, कितना काम किए हैं दुख और सुख में, पानी में भी हेल्प लोग जनता के साथ मिलते जाते हैं मुखिया जी। अब एक और है, गार्जियन है ललन सिंह। ललन हाँ, जो मेरे यहाँ 35 साल में काम नहीं हुआ, वो 5 साल में हमारे मुखिया जी से प्रिंस सिंह किए हैं। हाँ, इनका जन जन गवाह है और इनके तरफ से जो है सो कोई बनावटी बात नहीं है, ये धरती पर विकास किए हैं। हाँ, पीछे हैं भैया, कैसे हैं मुखिया जी प्रिंस बाबू? उनका तो जनता ही बताएगी कैसे है, जनता का समर्थन देखिए अपने पता चल जाएगा कि मुखिया जी कैसे हैं। जनता इनको प्यार करता है, इसीलिए ज़्यादा मेल इनके साथ में हमेशा समर्थन रहेगा, हमेशा जनता से भी प्यार करते हैं। तुम लोग दे रहे हैं मुखिया जी, मम्मी पापा तो देंगे प्रिंस सिंह को वोट? हाँ, सबसे दिलवाएगा। अच्छा अच्छा, मुखिया है आपके? आप जो मुखिया जी टेम्पू के बैच लगा के घूम रहे, क्या बात है? टेम्पू के बैच लगा के क्या घूम रहे हैं? भैया के जिताना है, हर साल जीता इो साल जीतेगा। पूरा गली 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 रोड बनाया है, गली गली फिर बनाएगा लोग। हाँ, हमको बैच देना है, फ्रिज भैया के बहुत देना है। आप भी बैच लगे टेम्पू, काला टेम्पू का बैच? अरे टेम्पू के बैच इसलिए लगाए हैं जो 15 साल इस 5 वर्षीय योजना में पीछे पड़ गया। बाढ़ के टाइम में भी एकदम फीटर वाला नाव 20-20 गो चल रहा था यहाँ, जो प्रखंड स्तरीय लोग देख रहा था और गांव के लोग को बाढ़ नहीं बुझाया इस बार। और हमारा मुखिया जो है गली गली रोड बना दिया, गली गली जो है सो नाला बना दिया, बहुत विकास पुरुष है इसको इस बार मुखिया अंतिम लड़ा रहे हैं। इसके बाद से आगे विधायक बनाने का हम लोग क्षमता रखे हुए हैं। अब सुल्तानपुर ऐसा हर जगह उतरा है जो कि जहाँ जिसको सपोर्ट किया है वो आगे निकला है, इसलिए हमारा मुखिया मुखिया लाइक नहीं विधायक लाइक है। सुल्तानपुर के तो कुटुम मुखिया विधायक भी है? अरे तो कुटुम है तो कुटुम के तो लोग मान लिया, अरे वो बाहर से ला करके लोग लड़ा दिया, कुटुम के सेवा करना चाहिए, मिठाई खिलाना चाहिए, आगे पीछे करके लोटा ले जा करके पैखाना और मैदान कराना चाहिए, उसको टोपी पहना देना चाहिए। रहते हैं विधायक जी आपके समर्थन? अरे हमारा कहने का मतलब जो भी लंगड़ा लुल्ला जो भी होगा मोहद्दीनगर विधानसभा का, वो विधायक में खड़ा होगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ कामेंद्र सिंह उर्फ कामो सिंह। तो आपने देखा कि यहाँ इनके जो समर्थक भी हैं काफ़ी उत्साह में हैं, मुखिया नहीं विधायक बनाने की बात कर रहे हैं। रवजी लाइव के साथ विशाल रंजन की रिपोर्ट, राजपुर पतसिया पश्चिम, मोहद्दीनगर, समस्तीपुर जिला से। जय हिंद।